दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आज के टाइम पे हमारे पास जो सबसे फास्ट ट्रेवल करने का मीडियम है वो है बाय एयर। भले ही आप एयरप्लेन से जाए या फिर हेलीकॉप्टर से, बाय एयर से आप सबसे जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों आज जो हमारे पास एयरप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर भी हैं, वो हमको ऐसे ही नहीं मिले, बल्कि इस चीज को पाने के लिए कई लोगों ने अपना टाइम और पैसा दोनों लगाया है। क्योंकि आज तो हमें पता है कि हेलीकॉप्टर ऐसा होता है, लेकिन पहले के टाइम पे जब एयरप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करते थे तो उस टाइम पे ये सोचना या फिर इसकी कोशिश करना भी काफी बड़ी बात होती थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको उन लोगों के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे एयरप्लेन के डिजाइन दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको कई में तो हैरानी भी होगी और कुछ डिजाइन तो ऐसे भी है जिसको देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक फैक्ट्री में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है बर्ड डिजाइन, और दोस्तों इस डिजाइन को देखने के बाद आप भी इसको बर्ड डिजाइन ही समझेंगे, क्योंकि इसका डिजाइन देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ये बड़ी चिड़िया हो। क्योंकि उस टाइम पे जिसके दिमाग में भी आसमान में उड़ने का आइडिया आया होगा वो चिड़िया को देख के ही आया होगा। तो इसका डिजाइन भी बिल्कुल सेम ही बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे एयरप्लेन का डिजाइन बनाने के लिए लोगों के पास ऐसा आइडिया नहीं था जिसको कि वो काम में ले सके। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इसमें फेलियर्स आए तो लोगों को ये समझ में आ गया कि इस डिजाइन से काम नहीं बनने वाला, जिसके बाद थोड़े थोड़ा करके डिजाइन में बदलाव करे जाने लगे और फिर इंजन लगा के उसको कुछ कुछ हेलीकॉप्टर की तरह भी बनाया जाने लगा। हालांकि वो आज के टाइम के हेलीकॉप्टर की तरह नहीं था, लेकिन थे बड़े बड़े पंखे ही। और दोस्तों इस वाले डिजाइन को देखिए, ये डिजाइन देखने में लगता तो कुछ कुछ हेलीकॉप्टर की तरह ही है, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि मेंढक के ऊपर छतरी चिपका दी हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा उछल रहा है इसलिए। लेकिन दोस्तों काफी समय तक हेलीकॉप्टर वाले डिजाइन को भी फॉलो किया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतने फेल होने के बाद कुछ लोगों को लगा कि कमर पे रॉकेट बांध के ट्राई करते हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आखिरकार ऐसे सोचने वाले का क्या हाल हुआ। लेकिन दोस्तों उस समय ऐसे ऐसे यूनिक तरीके निकाले जा रहे थे जिसको देखने के बाद साफ पता लग रहा था कि आखिरकार लोग हवा में उड़ने के लिए कितने पागल हो रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय सबकी क्रिएटिविटी आसमान छू रखी है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो वक्त आया जब वो डिजाइन एयरप्लेन की शेप लेने लगे और लोग आसमान में जाने लगे, लेकिन दो मिनट में वापस आ भी जाते थे। और दोस्तों जो इसका रीजन था वो था, लोगों को एयरप्लेन कंट्रोल करना नहीं आता था, जिसकी वजह से लोग फेल हो रहे थे। क्योंकि जो एयरप्लेन उड़ा रहा था उसको ये नहीं पता रहता था कि आखिरकार टेक ऑफ कैसे करना है और लैंड कैसे करना है, जिसके बाद लैंडिंग के समय काफी क्रैश भी हुए जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने हार नहीं मानी और ये लगातार सीखते रहे, जिसके बाद वो एक दिन आया जब हम इंसान एयरप्लेन को लैंड और टेक ऑफ करना सीख गए थे, जिसके बाद धीरे धीरे एयरप्लेन के डिजाइन को बड़ा करा जाने लगा और धीरे धीरे इसको लोगों को कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ती गई, और फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी लगाए जाने लगे जिसकी मदद से एयरप्लेन को उड़ाना काफी आसान हो गया था। और आज के टाइम के प्लेन काफी सेफ और काफी फास्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि आपको कुछ ही घंटों में काफी दूर पहुंचा सकता है। तो दोस्तों इस तरह शुरुआत हुई थी हमारी एविएशन की दुनिया की।
दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको आज से पहले ये बात बता थी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको रोज ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।